तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ बिग साइज हेवी स्टंट कार, काफी बढ़िया साइज का बॉक्स है और काफी अच्छी क्वालिटी की ये कार है। दोस्तों मैंने जब इसको चार्जिंग पे लगाया था तब मुझे पता चला कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टंट रेडियो कंट्रोल ड्रिफ्ट कार 1.16 स्केल की आरसी कार है। यहाँ पे सब उसके फंक्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसका रिमोट कंट्रोल है। एक इसमें यूनिक बात है, रिमोट कंट्रोल में हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ऐसा भी रिमोट आ सकता है और ऐसा टीवी का जो रिमोट आता है ऐसा भी आ सकता है, दो ऑप्शन है। मुझे पहले ऐसा लगा था, देखिए यहाँ पे मुझे लगा दो रिमोट आएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें से यहाँ पे देखिए और लिखा है, ये या ये, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे सब उसके फंक्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट कंट्रोल है। स्मोक आता है, म्यूजिक है, इसमें से मोड चेंज होता है, ये सब है। यहाँ पे देखिए स्मोक का है, दो कलर में आती है दोस्त, माइनर कलर में चेंज है। आरसी रेडियो कंट्रोल यहाँ पे भी सब लिखा गया है। नीचे के साइड दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दो मॉडल इसमें आते हैं अलग अलग कलर वाइज। और यहाँ पे रिमोट कैसे वर्क करता है, रिमोट में काफ़ी ज़्यादा बटन आते हैं। रिमोट का पूरा हमें डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कौन सा बटन क्या वर्क करता है वो पूरा इसमें भी ये देखिए दोस्तों। रिमोट में आती है दो नॉन रिचार्जेबल बैटरी, इसमें आती है 3.7 वोल्ट की 1200 mAh की बैटरी, तो काफ़ी बढ़िया बैटरी है। जो नॉर्मल रिमोट कंट्रोल में 500 mAh की आती है, इसमें डबल दिया गया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज है, म्यूजिक है, लाइटिंग है, इसमें बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह नहीं है, तो चलिए दोस्तों एक कार का हम अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कैसे वर्क करती है, कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है और मैंने कहाँ से बाय किया था, वो सब हम ये वीडियो में दिखाएंगे। और आपको पसंद आए तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लाते रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बॉक्स को मैं रख देता हूँ, बॉक्स में से कार को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आ गया इसका चार्जिंग का केबल और ये आ गया वाटर स्प्रे के लिए, जो हम वाटर फिल करना है हमें, मैं निकाल के आपको दिखा दूँ। इसमें वाटर भर के इसमें डालना है। तो पहले कार और रिमोट को मैं लॉक में से निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये इसमें से निकल गई और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लगभग 1 kg के ऊपर ये कार होगी। यहाँ पे देखिए इसकी क्वालिटी फिनिशिंग, आप एक बार इसको हाथ में ले गए तब मालूम पड़ेगा इसका क्वालिटी कैसे है पूरा। काफ़ी बढ़िया, आज तक मैंने जितनी आरसी कार मैंने अनबॉक्सिंग किया उसमें से मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी है। यहाँ पर दोस्तों आता है इसका वाटर स्प्रे के लिए, हमें यहाँ पर वाटर फिल करना है। और ये आती है इसमें लाइटिंग होती है, यहाँ पे भी लाइटिंग होती है। नीचे के साइड दोस्तों यहाँ पे आती है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, यहाँ से ओपन करके हम इसमें डाल दी है। यहाँ पे आता है इसका ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पे आ गया इसका स्पीकर दोस्तों। और हमें इसमें ये वाला रिमोट मिला है, वो टीवी वाला रिमोट इसमें नहीं मिला है। तो रिमोट में देखिए दोस्तों लगभग 10-11 बटन आते हैं, 9 बटन यहाँ है और ये 2 बटन और एक ये ऑन ऑफ का बटन। यहाँ पर आती है इसकी बैटरी नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, वो भी हमने डाल दी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए कार स्टार्ट करेंगे तो चार व्हील से उसमें लाइटिंग होती है, यहाँ पे भी लाइटिंग होती है और ये रिमोट को भी ऑन करना है। जैसे ही मैं रिमोट को ऑन करूँगा देखिए इसका साउंड चेंज हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है ये रिमोट ये कार के साथ कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसका पूरा फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, इसको आगे पीछे, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये बटन की मदद से दोस्तों स्मोक निकलता है, ये बटन की मदद से वो ऑटोमेटिक चलती है, ये बटन की मदद से इसका म्यूजिक है वो बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो ये बटन की मदद से ड्रिफ्ट लेती है, देखिए 360 डिग्री है दोनों बटन की मदद। और ये दोनों बटन है, इसमें फंक्शन लिखा है बट मैंने ट्राई किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों रिमोट में यहाँ पर लिखा है ये बटन लेफ्ट रियर ड्रिफ्ट, तो इसको ट्राई करता हूँ। तो ये दोनों बटन से ये अभी तो वर्क नहीं कर रहा है, आगे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है पूरा। और ये बटन की मदद से कुछ मोड चेंज होता है। ये बटन की मदद से दोस्तों ऐसा होता है कि ये कार चलती नहीं, ओनली लाइटिंग ही होती है। तो चलिए दोस्तों एक ये रिमोट से हम ये कार को अलग अलग एंगल से चला के आपको दिखाते हैं।
ऑटोमेटिक कैसे वर्क करते हैं वो भी आगे दिखाते हैं, एंड तक वीडियो में दोस्तों बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों ये कार का ऑटोमेटिक वाला बटन प्रेस करते हैं, देखिए दोस्तों अभी ऑटोमेटिक वर्क कर रही है यहाँ पे ये कार। काफी लंबे टाइम तक ये ऑटोमेटिक वर्क कर रही है यहाँ पे, अभी भी ऑटोमेटिक ही चल रही है। देखिए यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर लिया, लगभग एक मिनट तक ये ऑटोमेटिक वर्क किया। यहाँ पे दोस्तों ये कार को हम यहाँ पे ऑफ रोडिंग में चलाते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करती है पूरा। देखिए दोस्तों ऑफ रोडिंग में भी काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पे, ये पूरा आ गया मिट्टी। तो यहाँ पे दोस्तों ये कार में हम वाटर फिल कर देते हैं, ये जो बटन है इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, और इसको हमने पानी भर लिया है इसमें, अभी यहाँ से इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे वाटर फिल कर देते हैं, काफी ज्यादा पानी आ रहा है इसमें। तो देखिए इतनी बोतल में ये पूल हो गया है, अभी इसको मैं कर देता हूँ बंद यहाँ पे। तो यहाँ पे बंद हो गया, अभी कार को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट हो गया। अभी मैं स्मोक का बटन है वो प्रेस करता हूँ, ये जो बटन है ये प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा स्मोक, तो ऐसे निकल रहा है स्मोक। आज तो आपको दिख रहा होगा हवा इतनी चल नहीं रही है, लाइटिंग भी होती है पीछे। ये मैं आपको इंडोर में पूरा रूम का लाइट बंद करके स्मोक और ये कार की लाइटिंग का फंक्शन दिखाता हूँ, काफी बढ़िया लगेगा दोस्तों ये। देखिए ये लुक आएगा, कार चलती है तब, इसको मैं इधर ही चलाता हूँ।
देखिए इसमें बैटरी लो हो गई है, तो यहाँ पे कार में बोल रहे लो बैटरी ऐसा। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो स्मोक कार आ गई, अभी दोनों में स्मोक निकलते हैं, देखते हैं किस में ज्यादा निकल रहा है। देखिए उसमें स्मोक निकलते हुए चल रहे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों का स्मोक निकल रहा है, तो इसका अभी तो मुझे ज्यादा लग रहा है स्मोक, इसमें लाइटिंग ज्यादा हो रही है। दोनों को चलाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दोनों स्मोक कार की हम रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। देखिए वो हमारी जो ड्रिफ्ट कार है वो आगे निकल गई है, तो हमारी ये कार यहाँ पे विन होती है। यहाँ पे दोस्तों दोनों की फाइट लगाते हैं, देखते दोनों का आगे का शेप एकदम सही है। देखिए दोनों कार ज्यादा फोर्स लगा रही है, ये कार पीछे धकेल रही है। यहाँ पे दोस्तों ये कार में हमारी बैटरी लो है, फिर भी इसमें थोड़ा वर्क कर रही है, एक और बार फाइट लगा देते हैं। देखिए इसमें पूरा बैटरी लो हो गई है, तो अभी दूसरी कार के साथ हम इसका फाइट लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरी कार के एक्स बगी के साथ हमें इसकी रेस लगाते है, ये हमारी काफी ज्यादा हाई स्पीड कार है, तो देखते हैं कौन सी कार आगे निकलती है। वन, तो यहाँ पे हमारी एक्स बगी काफी आगे निकल गई है। रेसिंग में तो दोस्तों हमारी एक्स बगी है वो किसी को मतलब इसको आगे नहीं निकलने देगी, ये हमारी एक्स बगी विन होती है। अभी देखते हैं दोनों की फाइट में कौन विन होता है। वन, तो यहाँ पे दोस्तों ये कार को मैं इंडोर में लेके आ चुका हूँ, मैंने इसमें बैटरी जो खत्म हो गई थी वो फिर से रिचार्ज कर दिया है। अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑन कर देता हूँ, अभी इसका लाइटिंग पूरा बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका लाइटिंग का फंक्शन देखिए, स्मोक देखिए आप एक बार। तो लाइटिंग काफी बढ़िया लग रही है दोस्तों। यहाँ पे मैं बेड के ऊपर इसको चलाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे ये कार आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइए। वर्किंग क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है दोस्तों, स्मोक का फंक्शन भी काफी बढ़िया, लाइटिंग भी बढ़िया हो रही है, इसका रिमोट कंट्रोल भी काफी अच्छी तरीके से दोस्तों वर्क कर रहा है। इसके प्राइस की भी बात करें तो 5000 के आसपास इसकी मार्केट में प्राइस है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा और परचेस करना हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक इश्यू इसमें है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो इश्यू नहीं बोल सकते क्योंकि है इतनी हैवी कार, लाइटिंग है, म्यूजिक है, तो 1200 mAh की बैटरी और 500 mAh की बैटरी, दो बैटरी हमारी ख़त्म हो गई। और मेन फंक्शन की बात, इसमें जब बैटरी लो होती है तब कार में से साउंड आता है, लो बैटरी, आपको जो ईयरबड्स में साउंड आता है ऐसे ये फंक्शन है, तो ये काफ़ी यूनिक फंक्शन है दोस्तों, इसमें से बोलते हैं लो बैटरी ऐसा। तो काफ़ी बढ़िया कार है दोस्तों, आप लिंक में जाके प्राइस वगैरह चेक करके इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक टॉयज़ के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों।